गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने स्टडी की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, हिंदी में अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, उसकी बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी, वीडियो नंबर 9 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक ऊपर दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल ये जो ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज चल रही है, 8-10-15 वीडियो की जो भी है, इस पूरी सीरीज़ को जो भी देख लेगा, वो चाहे क्लास 11 का स्टूडेंट होगा, 10th का होगा, 12th का होगा, उसको ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्लास 12th में तो ऑप्टिक्स का पूरा एक मोटा सा चैप्टर है, मान के चलिए सेकेंड आधी बुक जो फिजिक्स की है वो ऑप्टिक्स ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। फिलहाल न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, इन सभी को हार्डली थैंक्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ईश्वर करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आपका टाइमिंग आपको मालूम है कि मैं डेली लगभग आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास मिलता हूँ, और संडे को स्पेशल क्लासेज आपकी 10 बजे के आसपास होती हैं, क्योंकि हमारे जितने भी साहिजादे और साहिजादियाँ हैं वो लंबी नींद लेते हैं। लेकिन 9:59 तक आप लोग उठ जाइए करिए संडे को, और डेली आप 8:29 तक उठ जाया करिए, और वीडियो देखने के बाद फिर तान के सो लिया करिए, क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत क्या है, है ना। क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी हमें पहले गिवन पे हम आते हैं, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, यानी कि किसी भी दिए हुए माध्यम का अपवर्तनांक यानी कैपिटल एन फाइंड आउट करिए, निकालिए। If angle of incidence, तो angle of incidence यानी हिंदी में आपतन कोण हमको दिया गया है 45 degree, and angle of refraction, refraction का मतलब अपवर्तन, अपवर्तनांक यानी अपवर्तन का जो हमारा angle है R, वो कितना है 30 degree है। N निकालना है। हमने आप लोगों को वीडियो नंबर 8 में हमने आप लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, और वहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, और रिफ्रैक्शन का हमने 2 रूल आपको लिखवाए थे। उसमें रूल नंबर 2 में स्नेल्स का लॉ है, स्नेल्स लॉ। तो इन्होंने कहा था कि जो साइन आई होता है वो साइन आर के जो रेशियो होता है वो एक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, और उसी कॉन्स्टेंट को यानी हिंदी में जो आपतन कोण की ज्या यानी साइन थीटा है, और जो अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन थीटा है, उसके अनुपात को हम स्मॉल एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं, और हमें यहाँ पर यही अपवर्तनांक निकालना है। तो ठीक है, तो एन इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन और आई की वैल्यू कितनी है 45 degree, तो साइन 45 degree अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है साइन 30 degree, तो इजकल टू साइन 45 degree होती है 1/√2, यानी साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अगर लिखने का तरीका आप लोगों को नहीं मालूम समझ लीजिएगा, तो साइन 45 हो गई 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर इसको हम इजी करें तो ध्यान देना, 1 और अपॉन में क्या है रूट टू, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, फिर अपॉन में क्या है 1, और इनटू जो अपॉन 2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 2/√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इजी करना चाहो तो हमें मालूम है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो रूट टू होती है इसकी वैल्यू 1.414 होता है, याद कर लीजिएगा। तो 2 के प्लेस पे 2 और रूट की जगह पर 1.414, क्लियर। अगर डेसिमल सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो ये हो गया 2, नीचे 1414 ले लो। नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो कितने प्लेस, 1+2+3+, तो जितने प्लेस पे डेसिमल नीचे है उतने 0 ऊपर आप इंक्रीज कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 2000 2000, नीचे 1414। तो माननी सी बात है कि 1 टाइम जाएगा, तो नियर अबाउट 1.4 या 1.5 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मीडियम का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आया है वो कितना आया है, 1.4 आया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखते हैं भाई। सभी लोग गुड मॉर्निंग का इंतज़ार या जवाब का इंतज़ार मत किया करिए, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों को आपको जवाब दे सकूँ, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना रहता है उस कंडीशन में किसी और को बैठाल करके आपके लिए गुड मॉर्निंग और बाकी चीज़ें करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कमेंट्स वही होते हैं, है ना।
और बाकी लोग तो भाई कुछ हैं जिनको जिनका मुझे भी इंतज़ार रहता है कि दे विल कम एंड आई विल एंजॉय विद देम. ऑल ऑफ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ एंड ऑफ माय टीचिंग एटीट्यूड्स. फिलहाल पढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो आंसर की बात करते हैं. क्वेश्चन ही कहता है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर. ध्यान दीजिएगा, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है. कहाँ जा रही है? वाटर को जा रही है. तो जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पढ़ाया था इससे पीछे वाले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं. एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है, यानी एक आपेक्षिक और एक सापेक्षिक. तो आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात हो जाएगी. क्लियर. तो लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इंटू वाटर, यानी प्रकाश जा रहा है एयर माने वायु से, वाटर माने जल में. हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, यानी एन की वैल्यू यानी अपवर्तनांक कितना है 1.33. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड निकालना होता है वो वी होता है. क्लियर. द स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल कितनी दी है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको सी से शो करते हैं. तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बताया था कि लाइट मान लीजिए एयर से जा रही है और कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है. तो यानी कि वेलासिटी इन एयर अपॉन वेलासिटी इन वाटर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और बटे वी मीन जिस भी माध्यम में प्रकाश गई उस माध्यम में प्रकाश की चाल. और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी निकालना है. तो जब हमें वी फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वी के साथ कौन है, एन है. तो एन कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा. और सी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा. तो वी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 1.33. क्लियर. तो वी इज इक्वल टू कितने पैसे डेसिमल नीचे, 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो तो 3 क्या हो गया, 300 अपॉन 133. पावर जैसे था 10⁸ वैसे रहने दो. क्लियर. तो 13 की टेबल पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना हो. तो 13 × 26 यानी 2 बार के आसपास जाएगा. तो 2 point something के आसपास आपका आंसर आएगा. एग्जैक्ट आंसर तो आप लोग हमको ऑलरेडी देख ही चुके हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी एग्जैक्ट आंसर दे दिया है. फिलहाल तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा 2.26 × 10⁸. डिवाइड करना चाहिए, आप डिवाइड करके देख लेंगे कि 132 × 266 इसमें से डिवाइड कर देंगे, बचे कितना 34, डेसिमल लगा देंगे 0 हो जाएगा, 340 बन जाएगा. तो 2 2s फिर उतने टाइम जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको. तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा हमको कमेंट करके. फिलहाल एक चीज़ याद रखिएगा, लाइट कभी भी एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है यानी वायु से किसी भी माध्यम में जा रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला लगेगा. और वो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी. ठीक, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को. तो थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इंटू ग्लास. फिर ध्यान दीजिएगा, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है. कहाँ को जा रही है, ग्लास में. यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात यहाँ पर आएगी, पक्का देख लीजिएगा. तो आंसर की बात करें, गिवन तो लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी प्रकाश जा रही है वायु से कांच में और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.5 है. पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसका मतलब होता है, डिजिट के पीछे जीरो कितने भी लगे उसका कोई मतलब नहीं होता. क्लियर. बाकी हम जानते हैं आप लोग समझदार हैं, फिर भी बताना मेरा फर्ज था. वॉट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी किसी भी मीडियम में हमसे प्रकाश की चाल पूछी गई है. क्लियर. तो फॉर्मूला अभी आपने को हमने बताया था कि एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होगा, किसके लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, यानी जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में जाएगी तो ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे. क्लियर. इसमें हमें निकालना क्या है, वी निकालना है. तो वी का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे है, एन से है. तो क्या बन गया, सी अपॉन एन. तो v इज इक्वल टू सी की वैल्यू यानी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. जिनको नहीं मालूम वो लर्न कर लें कि प्रकाश की चाल को सी से शो करते हैं यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट. n की वैल्यू कितनी है, 1.5. नीचे कितने प्लेस पर डेसिमल है, ध्यान दीजिएगा, नीचे एक प्लेस पर डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, ये कितना हो गया 30. और पावर कितनी है 10⁸, तो 15 × 30 तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया. कुछ लोग इसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं कमेंट्स में, जिनका भी आंसर आया उनको हार्डली थैंक्स, बिकॉज दे आर गिविंग लेबोरियस एफर्ट. वो मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं अपने को आगे बढ़ाने में. अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मानी सी बात है कहीं ना कहीं हमारा भी फ़ायदा होगा, कि मुझे खुशी होगी कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज किसी मुकाम पे हैं. ठीक. और जिन लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ वो लोग माइंड नहीं करेंगे, नहीं तो उनके मन में यार सर तो हमको मानते ही नहीं ना,
तो ऐसा कुछ नहीं है, मानते सबको हैं, दिल बहुत बड़ा है, चैम्बर सिर्फ चार ही हैं, तो क्या कर सकते हैं, है ना, किलिंग किराया नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि ए बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की एक किरण आ रही है, पासेस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स, यानी एयर से आ रही है एक्स को जा रही है, मतलब वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात हो रही है। और इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर हम गिवन की बात करें यानी दिया गया है, तो आपको याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण को हम आई से शो करते हैं और वो कितना दिया गया है, 72 डिग्री दिया गया है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण जिसको हम आर से दिखाते हैं वो हमें 40 डिग्री दिया गया है। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। कैसे जान गए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, आप सब लोग जानते हैं, हम जान रहे हैं, लगातार कमेंट्स पे कमेंट आ रहा है, सर आंसर भी आ गया, हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें स्पीड में नहीं बताना है, सबको बताना पड़ेगा यार, मजबूरी में सबको लेके चलना पड़ता है, मजबूरी समझा करिए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर। तो एन इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी दिए हैं, ये देखिए 72 डिग्री, अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, और हमें साइन 72 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है 0.951 और साइन 40 की वैल्यू 0.642। ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल वैल्यूज हैं साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। जो एबनॉर्मल वैल्यूज होंगी 72 डिग्री, 61 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान दो, ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल है, 3 प्लेस पे, नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, 3 प्लेस पे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 951 और ये बन जाएगा 642। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन डिवाइडेशन आपको बता देते हैं कैसे करते हैं, फिलहाल कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कर लेते हैं डिवाइडेशन, इसको डिवाइड करना है 642 से, तो यानी 1 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 642, 11 में से 2 गया कितना 9, 4 में से 4 0, और यहाँ पर कितना बचा 9 में से 6 गया 3, 309 हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 की टेबल पढ़िए कि 30 ज़्यादा ना हो, तो 6 5 जा 30, लेकिन पीछे 45 है यानी 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, और 6 4 जा 24 और 1 25, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, डेसिमल लगा है इसलिए 0, क्लियर। 8 का 6 की टेबल पढ़िए कि 42 से ज़्यादा ना हो, तो 7 6 जा 42, लगभग 7 टाइम्स, तो 1.47 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर कुछ 19-20 हो सकता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन मोर देन कैलकुलेटर है। मैं जानता हूं कि आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से भी बहुत अच्छा है ना, ये तारीफ है, इट इज़ 100% कॉम्प्लीमेंट, नॉट कमेंट, ओके। ये क्वेश्चन आपके लिहाज से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है किसका, ऑफ वाटर, पानी का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से शो करते हैं, और किसकी बात हो रही है, ग्लास की बात हो रही है यानी वाटर की, कितनी है, 4/3 है। एंड फॉर ग्लास और कांच के लिए, सॉरी ये वाटर के लिए है, एंड फॉर ग्लास यानी कांच के लिए, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना दिए हैं, तो 3/2 यानी 3/2 दिए हैं। डब्ल्यू आर का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू यानी की तुलना में, टू एयर व्हाट फॉर ग्लास यानी कि, ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दिया गया है ये एयर के कंपेयर में दिया गया है, क्लियर। तो यानी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 विद कंपेयर टू एयर, क्लियर। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक किसका, जी मैंने ग्लास यानी वाटर का, किसके कंपेयर में, एयर कंपेयर में। याद रखिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो हमेशा दो नंबर पर लिखा जाता है, और जिस मीडियम के कंपेयर में हो, तुलना में हो, उसको हमेशा शुरुआत में रखते हैं। और हमसे पूछा कि आप ध्यान दीजिएगा व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन किसका, ऑफ ग्लास, जिसका पूछा जाए वो पीछे, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू वाटर यानी वाटर कंपेयर में, डब्ल्यू एन जी हमसे पूछा गया है, ठीक, इजकल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी पढ़ेंगे क्या,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, हिंदी में कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है तो हमेशा कांच वाली वैल्यू पहले रखी जाएगी, मतलब जो नंबर टू पोजीशन पे होगा, पीछे वाली पोजीशन पे होगा, वो पहले रखा जाएगा। वेलोसिटी यानी स्पीड की बात करेंगे तो हमेशा पहले मीडियम की स्पीड पहले रखी जाएगी और दूसरे मीडियम की स्पीड बाद में रखी जाएगी। लेकिन जब अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो हमेशा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले और फर्स्ट मीडियम का बाद में। तो सेकेंड मीडियम ग्लास है यानी ए एन जी, तो फॉर्मूला बन गया ए एन जी अपॉन डब्ल्यू एन जी। क्लियर, तो फॉर्मूले पा जाते हैं। तो ये देखिए डब्ल्यू एन जी इजिकल टू ए एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2। क्लियर भाई, 3 और अपॉन 2 नीचे आ गया। और डब्ल्यू एन जी की वैल्यू कितनी है, ये 4/3, तो ध्यान दीजिएगा 4 हो गया मल्टीप्लाई में और बाई 3 चला गया ऊपर, तो कितना बन गया 3 3 9 और 4 2 8, तो यानी कि जो हमारा डब्ल्यू एन जी बना वो कितना बन गया 9/8। ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल तो ये मोस्ट ईजी है, लेकिन उसके लिए जिसको समझ में आ जाए, जिनको नहीं समझ में आते हैं वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सर कौन पहले रखा जाए एन के, कौन बाद में रखा जाए। तो कभी भी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो जिसका निकाल रहे हैं वो हमेशा पीछे रहेगा और जिसके कंपेयर तुलना निकाल रहे हैं वो आगे रहेगा, ठीक। लेकिन जब बात की जाएगी स्पीड की तो हमेशा फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऊपर रहेगी और सेकेंड मीडियम की स्पीड नीचे रहेगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कांच जो है ध्यान दीजिएगा गिवन की बात करते हैं, गिवन अपवर्तनांक किसका ग्रीमिंग ग्लास, कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5 है और इज 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कांच में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम दिखा देते हैं वी से, किस में जी मीन ग्लास में, कितना है 2×10^8 मीटर पर सेकेंड है। इन द ए लिक्विड द स्पीड ऑफ लाइट, और कोई और लिक्विड है मान लो वाटर है, स्पीड ऑफ लाइट इज, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वी मीन वेलोसिटी यानी स्पीड है किसकी, वाटर के लिए मान लेते हैं या लिक्विड लिख देते हैं, तो एल मीन लिक्विड यानी किसी भी द्रव में प्रकाश की चाल, इजकल टू कितना दिए हैं 2.5×10^8 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा गया फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, यानी एन निकालना है, किसका निकालना है लिक्विड का, सॉरी एन निकालना है किसका लिक्विड का, तो लाइट है कहाँ पर ग्लास में, यानी हमको जी एन एल में बताना है स्पीड ऑफ लाइट। इतनी बात समझ पाए, तो ग्लास में स्पीड कितनी है 2 है और लिक्विड में स्पीड कितनी है इतनी है। तो अगर हम फॉर्मूले पे आते हैं ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, या लिक्विड की है, ये किसकी है ग्लास की है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हमेशा सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक पहले रखा जाता है। तो लिक्विड में उसकी लाइट कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है, तो 2.5, ये पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, तो वेलोसिटी इन लिक्विड अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, तो इजिकल टू वेलोसिटी इन लिक्विड, हिंदी में लिक्विड का मतलब द्रव में और वेलोसिटी माने चाल, तो द्रव में प्रकाश की चाल कितनी है, तो द्रव में प्रकाश की चाल दिए हुए हैं ये 2.5×10^8 अपॉन, ग्लास में कितने दिए हुए हैं, तो 2×10^8। ध्यान दीजिएगा ये 10^8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा और ये पावर प्लस में है, तो 10^8 से 10^8 कैंसिल हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे है क्या 2.5 है और अपान में कितना है 2 है। अगर ध्यान दीजिए तो 2.5 को हम 25 मान लें, ऊपर एक प्लस डेसिमल है, नीचे भेज दीजिए, ये कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर, अगर डिवाइड करना चाहो, बचपने में जाना चाहो, तो ये कितना हो गया 25, डिवाइड कितने से कर रहे हैं 20 से, तो 21 20, कितना बचा यहाँ पर 5, डेसिमल लगा दो कितना हो गया 50, तो 22 40, कितना बचा यहाँ पर 10, डेसिमल लगाया 100 हो गया, 25 100, तो आंसर कितना आ गया 1.25। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया एन एल जी का।
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया लिक्विड का, क्लियर। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल इन ग्लास कांच में, और उस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, यानी n अपवर्तनांक किसका, जी मीन ग्लास का, कितना 1.5, और उसी में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है यानी प्रकाश की चाल कितनी उस कांच में, इतनी है। तो हमें प्रकाश की चाल लिक्विड में दी है इतनी, तो बताओ उस लिक्विड की अपवर्तनांक कितना होगा, यानी हमको निकालना है किसका, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में। तो हमको फार्मूला मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमें सेकंड कंडीशन में होता है यानी इस तरफ होता है आपके राइट हैंड साइड पे, वो पहले लिखा जाता है। तो वी एल अपॉन वी जी, तो वेलासिटी इन लिक्विड इतना है और वेलासिटी इन ग्लास इतना है, 10.10^8 से 10^8 कैंसिल हो गया, 2.5 का डेसिमल हमने नीचे भेज दिया, 20 हो गया, डिवाइड कर दिया 1.25 हो गया, यहाँ पे डिवाइड किया गया, आपने देख भी लिया है, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थक गए हम समझ रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, सीरियसली लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, पक्का झूठ नहीं बोल रहे। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, मतलब उतना डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ी सी अप्रोच इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ध्यान दीजिए, जब हमने आप लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी हिंदी में आपेक्षिक अपवर्तनांक बताया था, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी कि c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, किसी भी मीडियम यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यानी हमसे v पूछा गया है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, तो हमें अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 6/5 दिया गया है। इफ़ इट्स स्पीड इन एयर, यानी कि उसकी वेलोसिटी एयर में कितनी दी गई है, एयर में कितनी दी है, 3000, तो 3 जितनी दिए हैं 30 × 4 × 0, तो 30 × 4 × 0 किलोमीटर पर सेकंड में दिए हैं। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड किसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी नहीं है यानी दो स्पीड नहीं है कि हमें उसको कंपेयर करें, ठीक है। तो फॉर्मूले पाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू, v के सामने कौन है क्रॉस मल्टीप्लाई में, n अपान में जाएगा और c ऊपर जाएगा। तो v इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी दिए हैं हमें, If its speed in air, यानी एयर में उसकी स्पीड कितनी है, तो 30,000 c की वैल्यू है ये, तो c की वैल्यू हो गई 30, 1, 2, 3, 4 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5, तो ये 6 और by 5 ऊपर चला गया, तो ध्यान दीजिएगा 6 × 5 = 30, क्लियर। तो इज इक्वल टू 5 × 5 = यानी 5 × 5 = 25 और 0, 1, 2, 3, 4 तो इंटू 10^4 किलोमीटर में था, तो किलोमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया, यानी स्पीड उसकी कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि एयर में यानी वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 यानी 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अब इस समय कितनी है, यहाँ पर है उससे भी ज़्यादा, 25×10^4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं झूठ वाला, क्योंकि हमने आपसे झूठ कहा था कि ये लास्ट न्यूमेरिकल है, तो सीरियसली इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल इन वाटर, पानी में, ठीक है। तो यानी कि गिवन की अगर हम बात करें, हमें क्या क्या दिया गया है, तो वेलोसिटी किसकी, लाइट की, किस में, वाटर में, तो W इज इक्वल टू 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकंड, और इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम यानी सी, कभी भी एयर में यानी हवा में, और वैक्यूम यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसको सी से शो करते हैं, और वो कितना दिए हैं, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड दिए हैं, और ये इतनी होती भी है। और हमसे पूछा गया कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी हमको एन जी निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, वाटर में, तो यानी कौन सा अपवर्तनांक यानी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट हिंदी में आपेक्षिक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक का मैंने फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब n किसका, ग्लास का, और वेलोसिटी किस में दी है, ग्लास में, तो जी रख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो अगर हम एन जी निकालें यानी कांच का अपवर्तनांक निकालें, तो c की वैल्यू होती है 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड, वी जी की वैल्यू है 2.25 × 10^8 मीटर पर सेकंड,
तो हमको मालूम है कि 10^8 से 10^8 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना 3 और नीचे कितना 2.25, तो नीचे के दो प्लेस पर डेसिमल है तो ऊपर दो जीरो बढ़ा दो तो अपान में कितना हो गया 225। क्लियर। अगर आपको 25 की टेबल आती हो तो 25 की टेबल पढ़ लीजिए, यानी 25 वन जा 25, कितना बचा 30 से 25 गया 5 और 50, 25 टू जा 50 तो कितना आ गया 12/9। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि एन जी इज इक्वल टू 4/3, ये आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट निकालना हो तो 1.33 आपका आंसर आता रहेगा। इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स थे, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे कंटेंट्स आप तक और आपके थ्रू और लोगों तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हो सकता है मैं आपको लेंस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़वाएं या नेक्स्ट वीडियो में दें आपको। क्लियर। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। थैंक यू।